नमस्कार, एनबीसी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। नेशनल हेल्थ मिशन में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जब से मामला सामने आया है, लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अपने ही विभाग में भर्ती हो और मंत्री को इसकी जानकारी नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। हैरानी वाली बात तो ये है कि खुद मंत्री जी ट्वीट कर भर्ती की जानकारी शेयर करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मंत्री जी के गृह जिले अजमेर में कोई वैकेंसी नहीं है, इसीलिए मंत्री जी इसका विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने भी एक प्रमुख अखबार को बताया है कि उनसे भर्ती नाम पर 1.5-1.5 लाख रुपए लिए गए हैं। फिर मंत्री जी ही ऐसे शख्स कैसे रह गए जिनके पास जानकारी नहीं पहुंची। बात यहाँ तक पहुंची कि NHM MD मंत्री के साथ स्विट्जरलैंड भी गए थे। ऐसे तमाम विवादित सवाल है जो आमजन के जहन में उठ रहे हैं। इसी का जवाब जानने के लिए जब मीडिया ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से बात की और भर्ती घोटाले के बाद उपजे इस विवाद को लेकर पूछा गया कि क्या आप मंत्री होने के नाते अड़ंगा लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि NHM में 40% पैसा राज्य देता है। अभ्यर्थियों की पात्रता परीक्षा एजेंसी और पेपर सेंटर के साथ ही नियम भी राज्य तय करता है। हमने तो गलती को रोका है, इसमें मेरा गलत इंटेंशन कहा है। साथ ही उनसे पूछा गया कि आप किस बेस पर यह कह रहे हैं कि आपको भर्ती की सूचना नहीं है, तो उन्होंने कहा पिछले 6 महीनों से मेरे पास एक भी कागज नहीं आया। NHM MD समित शर्मा खुद ही मंत्री बनकर चला रहे हैं। उन्होंने SCS को भी इसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये घपला नहीं था तो इतने कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों किया गया, क्यों बदला गया पूरा HR सेल। अधिकारी दे इसका जवाब। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।